वेलकम स्टूडेंट्स, हमने जितने भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक पढ़ी, मेरे ख्याल से शायद सिर्फ प्रेडिकेट नॉलेज को छोड़ के बाकी जितने भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक थी उनमें सब में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए। तो आज नंबर आ गया है फ्रेम्स का भी, और फ्रेम्स के अंदर जो एडवांटेजेस हैं वो मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा। और वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि एडवांटेजेस क्या क्या है, लेकिन मैं एक बार उसको पूरा सिस्टमेटाइज तरीके से आपको दिखाऊंगा, जो कि शायद आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी, जो कि जिसकी वजह से शायद इसको हमने आउटडेट कर दिया, और आउटडेट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की टेक्निक पे चले गए, और वो टेक्निक हमने फॉलो करी फ्रेम्स की। लेकिन आज की डेट में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको अगर स्ट्रांग बोला जाता है तो सिर्फ इसी बेसिस पे बोला जाता है। अगर वो ऊप्स की कॉन्सेप्ट या ओपीएम की कॉन्सेप्ट जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट जो है, उसको अडॉप्ट करती है, जो कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन और जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे पहला जो एडवांटेज है जो कि आपका फ्रेम रिप्रेजेंटेशन देता था वो ये था कि वो प्रोग्रामिंग को बड़ा इजी एंड बना देता था, मतलब उसके अंदर कोड लिखना बड़ा आसान काम था, और जितने भी रिलेटेड डेटा थे ना उनके ग्रुप बना दिया करता था। क्योंकि फ्रेम रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान था, फ्लेक्सिबल था, तो ये बहुत सारी AI एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल करती थी। इसके अंदर एक और अच्छाई क्या थी कि आप कोई भी स्लॉट को ऐड कर सकते थे किसी भी टाइम पे, उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी रिलेशन डाल सकते थे, बहुत आसान था। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा भी था, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा को जैसे आप इंक्लूड करोगे तो जब भी आपकी मिसिंग वैल्यूज थी उसके लिए डिफॉल्ट डेटा आपको दे सकते थे, मतलब कोई भी अगर आपने एक डिफॉल्ट डेटा दे दिया तो अगर कोई वैल्यू सर्च हो रही है जो नहीं हो पा रही तो आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट डेटा जो है वो उसको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या था कि ये बहुत आसानी से समझने लायक थी। जैसे मैंने आपको जो दोनों एग्जांपल अभी लास्ट वीडियो में दिखाया उसमें भी आप देखो कि कोई भी अगर कोई लेमैन को भी अगर आप वो दिखाओगे ना फ्रेम, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये पीटर नाम का बंदा था और इसका ऐसा था और वैसा था, पूरी बातें तो लिखी हुई है सामने। शायद मेरे ख्याल से एक सिंपल सा कोई एक फॉर्म भरते हो तो उस टाइप का फॉर्म जो था, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं ना जिसमें नेम, एड्रेस और ये वो लिखा रहता है, ब्लैंक फॉर्म हमें मिलता है बैंक से तो हम उसको भरना चालू करते हैं, तो वो क्या है, वो फ्रेम ही तो है। वो फ्रेम बना के वो फ्रेम देते हैं, उनका फ्रेम का स्ट्रक्चर देते हैं, लीजिए आप भर दीजिए, हमने स्लॉट नेम मांग रहे हैं आपसे, आप स्लॉट वैल्यूज डाल दीजिए। आप क्या करते हो, नेम के आगे नाम लिखोगे, एड्रेस के आगे एड्रेस लिखोगे, जो भी है आपका एज के आगे एज लिखोगे, यही तो करते हो आप। अब ये तो कुछ एडवांटेजेस थे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। वो ये थे कि इन्फ्रेंसिंग के दौरान जो सिस्टम का जो इन्फ्रेंसिंग मैकेनिज्म था उसके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं था फ्रेम, कि आपने फ्रेम बना दी और फ्रेम में इन्फ्रेंसिंग करने का बोलोगे तो इन्फ्रेंसिंग हो नहीं पाती थी, और इन्फ्रेंसिंग स्मूथली नहीं हो पाना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा फ्रेम का। हाँ, वो बात अलग है कि ये फ्रेम इतना जनरलाइज अप्रोच थी जो कि जनरलाइज अप्रोच काफी आसान भी थी, लेकिन क्या था कि ये जनरलाइज अप्रोच हमें दुखदाई जब पड़ रही थी जब हम इसके अंदर कोई स्पेशल केस की बात कर रहे थे, तो ये बहुत जनरलाइज था, बहुत ज्यादा जनरलाइज था। इसलिए फ्रेम के ये तीन डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से फ्रेम को टेक ओवर करा है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी ने। ध्यान में वही रखा कि फ्रेम्स को देखा जाए और फ्रेम्स कैसे काम करते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि जब आप स्लॉट को ऐड कर सकते हो, स्लॉट को बढ़ा सकते हो, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, तो जब आप इतना फ्लेक्सिबिलिटी आप दे रहे हो तो उसको कोड लिखने में भी दिक्कत आएगी। हमेशा रखिएगा कंप्यूटर साइंस की जो तराजू के अंदर, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको आसान दिख रही है तो उसका कोड जो होगा वो हमेशा मुश्किल होगा, और जो जिसका जो चीज़ मुश्किल दिख रही है उसका कोड लॉजिकली कोड आसान होगा, ये हमेशा आपको मिलेगा ऐसा। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के अंदर रियल टाइम वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम को लिया जाता है, लेकिन आप कोड लिखने खड़े होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। इसलिए शायद लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि पाइथन को इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा। सर, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, बट अगेन स्टिल पाइथन थोड़ी सी और सिंटैक्स सिमांटिक वाइज ज़्यादा आसान है और सॉल्व करने में भी आसानी पड़ती है उसमें। खैर, ये थे छोटे मोटे हमारे फ्रेम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखते रहिए वीडियोस और आगे की और जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो बची है उसको हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।